इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले स्टेमलो 5 टेबलेट्स के बारे में। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने देर को यूज़ करता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, इसके अंदर क्या अंग्रेजी डालेगी और किस प्रकार काम करता है और उसका डोज डोजेंस कितना होना चाहिए। तो स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो भी पहली बार विजिट किया, अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट जो कि हमारे पास 30 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी एमआरपी 83.90 यानी कि 83 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो उसके अंदर इंग्रीडियंट्स है एमलोडिपिन्स 5 एमजी टेबलेट्स, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल लाया गया है जिसका नाम है एमलोडिपिन्स 5 एमजी टेबलेट्स। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो उसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइना यानी कि दिल से संबंधित सीने में दर्द के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए और ये प्रिवेंशन करती है एंजाइना यानी कि हार्ट रिलेटेड सिस्ट पेन के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स का डोज डोजेंस की बात करें तो उसका डोज डोजेंस आपकी एज वेट और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना, आपकी कंडीशन कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज डोजेंस कितना होना चाहिए और उसका डोज डोजेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको हेडेक होना, वीकनेस होना, मिचली आना, पेट में दर्द होना, स्लीपिंग आना, तो ये को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क स्टेमलो टेबलेट्स। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि एमलोडिपिन 5 एमजी टेबलेट्स, वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये हाई ब्लड प्रेशर में प्रेशर को कम करने के लिए रक्तवाहिका को आराम देकर ब्लड प्रेशर को सामान्य करती है। इससे बॉडी में रक्त के प्रवाह में सुधार होता है। सामान्य तौर पर आपके लिए सबसे कम खुराक निर्धारित की जाएगी जो आपके दर्द से संबंधित छाती के दर्द यानी कि एंजाइना से छुटकारा दिलाती है। बॉडी में रक्त का प्रवाह बढ़ाती है और हार्ट पर काम का बोझ कम करके हार्ट की मांसपेशियों को आराम देती है। ये बॉडी के ऑक्सीजन के प्रवाह में भी सुधारता है जिससे दिल से संबंधित सीने का दर्द रुकता है। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तो भी कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में मिलर दिए वहाँ पर बताएं। स्टेमलो 5 एमजी टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।